सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अपडेट आ गई है कमेंट्री स्क्रीन रीडर की, और ये अपडेट है 14 जून 2021, और बहुत ही नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। वॉल्यूम कीज़ से अब आप बहुत कुछ कर सकते हो जो कि आप बटन मैपर से करते थे, अब वो सब कुछ आप कर सकते हो CSR के साथ यूज़ करते हुए वॉल्यूम बटन से। सारी चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, तो इसलिए इस वीडियो को सभी CSR यूज़र्स के साथ शेयर ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और आप भी पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट्री टैब में आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, या इस वीडियो का कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, जहां आपको सही लगे वहां आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से साइलेंट कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग चलते हैं प्रोग्राम सेटिंग में और देख लेते हैं। प्रोग्राम सेटिंग में आने के बाद आपको जाना है एक्शन सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको जाना है शॉर्टकट की सेटिंग्स में। यहाँ पर पहले बहुत ही कम ऑप्शंस थे वॉल्यूम कीज को कस्टमाइज करने के लिए। सबसे पहला था ये तो था पहले से ही, ये सब भी था, इन सब को तो आप कस्टमाइज कर ही सकते हैं ऑलरेडी, कैसे करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो है। अब ये आई है नई चीज, लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम अप की व्हेन स्क्रीन इज लॉक, यानी कि जब ये आप वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, लेकिन नॉर्मल नहीं, जब आपके फोन की स्क्रीन ऑफ हो तब क्या होना चाहिए। अब आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे करना है इस पर क्लिक करो। यहाँ पर वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 90 ऑप्शन, इसमें जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। यानी कि जब आपके फोन की स्क्रीन ऑफ होगी और वॉल्यूम अप बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा। ये तभी अप्लाई होगा, सिर्फ स्क्रीन ऑफ पर ही होगा ये अप्लाई, स्क्रीन ऑन पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये तो डिक्रीज वॉल्यूम है, ये तो स्क्रीन ऑन के लिए ही है। ये वॉइस असिस्टेंट, ये तो स्क्रीन ऑन के लिए ही है। यहाँ पर आ चुका है अब वॉल्यूम डाउन की को लॉन्ग प्रेस करके रखें स्क्रीन ऑफ में तो क्या होगा। यहाँ पर दोनों में ही वॉइस असिस्टेंट सेट है, स्क्रीन ऑन में भी जब आप वॉल्यूम डाउन की को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉइस असिस्टेंट चलेगा, और स्क्रीन ऑफ में भी वॉइस असिस्टेंट ही चलेगा। बट आप इसे क्लिक करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, जब आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो अप्लाई होगा जो यहाँ पर आप रखेंगे। और ध्यान ये रखिएगा कि ये एक्शंस तभी अप्लाई होंगे जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा फीचर है, सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे बटन मैपर में क्या होता था, वॉल्यूम कीज को दो बार दबाओगे तो कोई भी ऐप खोल सकते हो, तीन बार दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, अब इसमें भी ऐसा होने लगा है। जी हाँ, इसमें पहले सिंगल ही वॉल्यूम की दबती थी, वॉल्यूम की को एक बार ही दबाना पड़ेगा आपको, चाहे लॉन्ग प्रेस करो या ऐसे ही दबाओ, सिर्फ एक ही बार दबाओ तभी आपका जो है, इसमें फिलहाल के लिए ये ऑप्शंस थे। बट अब आप जो है वॉल्यूम की को डबल बार भी दबा सकते हैं, डबल बार लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं, ट्रिपल बार भी दबा सकते हैं, ट्रिपल बार लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, लास्ट में बताऊंगा, बहुत मस्त ऑप्शन है, सब कुछ है इसमें यार, CSR में बहुत कुछ है। आगे देखते हैं। डबल प्रेस ऑफ द वॉल्यूम अप बटन, तो जब भी आप वॉल्यूम की को दो बार दबाएंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है उनमें से कुछ भी रख सकते हैं, जहाँ पर मैं कुछ रख भी लेता हूँ, जैसे करंट टाइम रख लेता हूँ। अब मैं जो वॉल्यूम बटन है उसको दो बार दबाऊंगा, वॉल्यूम अप बटन को दो बार दबाऊंगा। देखिए टाइम बता दिया इसने, वॉल्यूम अप बटन को मैंने दो बार लॉन्ग प्रेस किया, जल्दी जल्दी करना है, मतलब लॉन्ग प्रेस नहीं, सिंगल बार मैंने दबाया है सिर्फ वॉल्यूम अप बटन को, एक बार दो बार दबाया तो मेरा टाइमर बता रहा है। यहाँ पर जो भी आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ट्रिपल
ये सब पर इंक्रीज वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट सेट है, आप यहाँ से सभी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वॉल्यूम को, वॉल्यूम अप बटन को ट्रिपल प्रेस करें, अभी हम डबल प्रेस कर रहे हैं, ट्रिपल प्रेस करें तो क्या हो, यहाँ पर भी हम कुछ सेट कर लेते हैं और करेंगे। चलिए कॉपी रख लिया, अब मैं वॉल्यूम अप बटन को तीन बार दबा रहा हूँ, कॉपी हो गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर वॉल्यूम बटन से ही हो रहा है, आपको टच करने की स्क्रीन पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आप वॉल्यूम बटन पर और जेस्टर पर ही सेट कर सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो मैं फिर से दोबारा देखिए, कॉपी हो गया है, अब डबल प्रेस अब द वॉल्यूम डाउन की, ठीक है, पहले वॉल्यूम अप की थी, अब वॉल्यूम डाउन की आ गई। वॉल्यूम डाउन की को आप डबल प्रेस करें तो क्या होगा, अभी इसका एक थोड़ा सा नुकसान भी है, वो नुकसान लास्ट में बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए, तभी आप इसको यूज़ करेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो अब वॉल्यूम डाउन की को हम डबल प्रेस करें, दो बार प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम कुछ भी सेट कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड मेन्यू मैंने सेट कर लिया, मैं वॉल्यूम डाउन की को दो बार दबा रहा हूँ, क्लिपबोर्ड मेन्यू मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये भी सेम है, ट्रिपल प्रेस अप ऑफ द वॉल्यूम डाउन की, पहले वॉल्यूम अप का भी ट्रिपल प्रेस था, अब वॉल्यूम डाउन पर भी आप ट्रिपल प्रेस रख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम डाउन की को जब भी आप तीन बार प्रेस करें तो क्या हो, यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं, फेवरेट्स कर लेते हैं। अब मैं वॉल्यूम डाउन की को तीन बार प्रेस कर रहा हूँ, फेवरेट्स ओपन हो गए, तो मस्त मजा आ रहा है इसको यूज करने में। तो ऐसे ही आप 90 ऑप्शंस हैं, जो भी रखना चाहो, जो भी आपको यूजफुल लगे वो आप रख सकते हो, ठीक है। ये सब स्क्रीन ऑफ में अप्लाई होंगे या नहीं, ये मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ, स्क्रीन ऑफ में तो, स्क्रीन ऑन में तो अप्लाई हो रहे हैं, तो मैं स्क्रीन ऑफ में चेक कर लेता हूँ ये अप्लाई हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये स्क्रीन ऑफ में भी अप्लाई हो रहे हैं, अब लास्ट ऑप्शन बचा है, तो वैसे आप इन सब का यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल चीज है ये, ठीक है। बाकी स्क्रीन ऑफ में भी अप्लाई हो रहे हैं वो डबल प्रेस डबल डाउन वाले, तो आगे देखते हैं। ट्रिपल प्रेस ऑफ द एप्लीकेशन वॉल्यूम शॉर्टकट्स, अब ये एप्लीकेशन वॉल्यूम शॉर्टकट, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है अगले वेनसडे बनाऊं, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, सभी CSR यूजर्स को इसका यूज करना चाहिए, बट इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि अभी एक और चीज भी आपको बतानी है, ठीक है। तो इस फीचर को मैं अगले पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वैसे है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर। तो ये तो बात रही अपडेट की, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ नुकसान के बारे में। देखिए वो जो पहले ऑप्शन आ रहे थे उनमें तो कोई नुकसान नहीं है स्क्रीन ऑफ वाले, बट ये जो डबल प्रेस है, ट्रिपल प्रेस है, अगर आप ये वाली सर्विस यूज करते हैं, मतलब वॉल्यूम मल्टी पार्ट सर्विस जो यूज करते हैं, डबल ट्रिपल ये सब यूज करते हैं, तो होगा क्या, जो आपको वॉल्यूम है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप फास्टली करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज, ये देखिए, अब मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये टाइम बता देगा मेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, एक एक सेकंड बाद, ये देखिए बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत ही लेट एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, एक एक सेकंड में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका वो ट्रिपल टैप हो जाएगा, डबल टैप हो जाएगा, फिर जो आपने उस पे सेट किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए बाय डिफॉल्ट में इसमें इंक्रीज वॉल्यूम और डिक्रीज वॉल्यूम रखा गया था डबल प्रेस और ट्रिपल प्रेस पे। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर नुकसान है, या कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है, वैसे ये होना ही था, ये बटन मैपर में भी होता है, क्योंकि अब डबल प्रेस या ट्रिपल प्रेस करेंगे फिर तो काम कैसे चलेगा, तो ये ऑप्शन मतलब इसी तरह से काम करता है। तो आपको मैं यही कहूँगा, रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप सच में इसका यूज़ करना चाहते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं करते, आपको ट्रिपल टैप ये सब करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना है, अगर आप पेशेंस बना सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, जैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये टाइमर हो रहा है, कॉपी हो रहा है, अब कम भी नहीं होगा, देखिए जल्दी से ये मैं करता हूँ, ये देखिए क्या ओपन हो चुका है, तो ये दिक्कत हो रही है, तो ये सब ओपन हो रहा है, जो जो आप रखेंगे वो ओपन हो जाएगा, ये डबल टैप और ट्रिपल टैप होता रहेगा। तो ये एक छोटा सा नुकसान है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वैसे तो ये होना ही था जैसे कि मैंने बताया, अगर ना होता फिर ये फीचर रहते ही किस काम के, ठीक है। तो ये बात है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपडेट कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप डबल टैप ट्रिपल टैप वाला यूज़ करना चाहते हैं
अगर कोई ज्यादा जरूरत हो तो ही यूज करें, नहीं तो जेस्टर्स बहुत सारे यहाँ पर दिए रहते हैं। वैसे ऐसा मल्टी पार्ट जेस्टर में भी था, जेस्टर स्लो परफॉर्म होते हैं तो सेम इसी तरह से वॉल्यूम में भी हो रहा है। तो कैसी लगी अपडेट वीडियो सब कमेंट करके बताइए, कम्युनिटी टैब में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी तो लाइक करें, सभी CSR यूजर्स के साथ ही वीडियो शेयर करनी है आपको, वीडियो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है अपडेट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस की कोई कमी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।